तो नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने सक्सेस टू यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप में से बीए बीएससी बीकॉम के बहुत सारे स्टूडेंट ये जानने की कोशिश कर रहे होंगे कि 2020 के लिए मुख्य परीक्षा टाइम क्या है, यानी कि किस डेट से स्टार्ट होंगे और कब तक होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे, इसलिए आपको वीडियो को एंड तक ज़रूर देखनी है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि 2020 के लिए मुख्य डेट क्या है, किस डेट से प्रारंभ होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय यानी कि कानपुर यूनिवर्सिटी के बारे में, ठीक है। इससे पहले मैंने वीडियो अपलोड की थी, उस वीडियो थी अवध यूनिवर्सिटी के बारे में। मैंने अवध यूनिवर्सिटी के जो भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं, इसको देखिए और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो वो भी वीडियो देख लीजिएगा। मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाई थी वो अवध यूनिवर्सिटी की थी, उसमें मैंने पूरी डिटेल बता दी, क्योंकि उसकी भी स्कीम डेट और कब से क्या प्रारंभ होना पूरा मैंने डिटेल्स में बता दिया है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी के बारे में बात करेंगे और लास्ट में आप लोगों को हम ये बताएंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट अदर यूनिवर्सिटी के हैं, तो उनको बताएंगे कि वो कैसे हैं, उनका स्कीम देखना है, क्या प्रोसेस है, तो वीडियो को एंड तक उनको ज़रूर देखना है, ठीक है। ये आप खुद ही देख सकते हैं छत्रपति साहू जी की, यहाँ पर लिखा है विषय विश्वविद्यालय के शैक्षिक सत्र 2019-20 हेतु वार्षिक एवं सेमेस्टर पाठ्यक्रमों का शैक्षिक पंचांग का अनुपालन सुनिश्चित कराने के संबंध में, ठीक है। दोस्तों, आप पढ़ लीजिएगा, यहाँ पर लिखा है, जो रियल जानकारी में आप लोगों को वही प्रोवाइड करता हूँ। फिर लिखा है उपयुक्त विषय के संबंध में शैक्षिक सत्र 2019-20 हेतु परीक्षा एवं सेमेस्टर पाठ्यक्रमों का शैक्षिक पंचांग एकेडमिक कैलेंडर पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है, कृपया तदनुसार अनुपालन सुनिश्चित करें, ठीक है। उसके बाद ये आप स्कीम जो देख रहे हैं, ये मैं अपने वेबसाइट पे डाल दूंगा, नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वेबसाइट मिल जाएगी जिस पे आप नाम लिखा होगा वहाँ पर sandeepinfo.com, ठीक है। तो उस पर क्लिक करके आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे, तो यहाँ पर आपको ये जो मैं PDF पूरी दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ये पूरा आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे आप लोग स्टूडेंट होंगे जो ये डाउनलोड करना चाह रहे होंगे। तो यहाँ पर तो प्रवेश की तिथि, अब ये आ जाती है परीक्षा कार्य हो तो कैलेंडर, ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं पूरी जानकारी दूंगा, बस आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, मिस मत करिए। यहाँ पर ऑनलाइन की करने की डेट थी, ऑनलाइन आई होप कर दिया आप लोगों ने। अब आप मेन पे आ जाइए, जो आपको देखना है, ठीक है, दस नंबर आपको देखना है, ठीक है, दस नंबर जो पॉइंट है इसको आपको देखना है। ये आ नंबर में लिखा है सत्र 2019-20 की संस्थागत भूतपूर्व वार्षिक परीक्षा प्रारंभ होने की तिथि, तो क्या है, 5 मार्च है, ठीक है, आप खुद ही देख सकते हैं। उसके बाद जब किस डेट को एंड होगी, सत्र 2019-20 के संस्थागत भूतपूर्व वार्षिक परीक्षा समाप्त होने की तिथि 30 अप्रैल, यानी कि जो आप लोगों के वार्षिक परीक्षा स्टार्ट होने की तिथि है 5 मार्च 2020, ठीक है, और जो एंड होने की यानी कि जब समाप्त होगा वो है 30 अप्रैल 2020, आप खुद ही देख सकते हैं, ठीक है। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। और हाँ, अब आप सोच रहे होंगे किस डेट को हिंदी का है या किस डेट को इंग्लिश का है, फिजिक्स का किस डेट को है, या फिर आप सोच रहे होंगे केमिस्ट्री का किस डेट है, वो वाली अभी स्कीम दोस्तों नहीं आएगी, लेकिन जैसे भी आएगी मैं आप लोगों को उसके लिए इन्फॉर्मेशन कर दूंगा। ये अभी ये डेट डिक्लेयर की गई है कि इस डेट से प्रारंभ होना है, ठीक है, वो वाली स्कीम जब एग्ज़ाम के 1-2 महीने रह जाते हैं जैसे कि, तब वो डिक्लेयर की जाती है, ठीक है। तो जैसे भी वो आएगी मैं उसका भी आप लोगों को वीडियोज के जरिए इन्फॉर्मेशन कर दूंगा, लेकिन ये भी आपको जानना ज़रूरी है क्योंकि आप लोगों को तैयारी करना है, तो आप अच्छे से तैयारी करिए, क्योंकि आप लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं, बस एग्ज़ाम स्टार्ट ही होने वाले हैं कुछ ही दिनों में, यानी कि अभी 3 महीने बाकी है फिलहाल, आप लोगों को जैसा मालूम ही है, ठीक है। और इसमें यहाँ आपको लोगों को ये किस डेट को परिणाम घोषित होगा ये भी मिल जाएगी, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अब लोगों के अभी एग्ज़ाम स्टार्ट ही नहीं हुए, तो स्टार्ट आप लोगों के एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो आप अच्छे से पढ़ाई करिए। और मैं यानी कि मॉडल पेपर भी आप लोगों के लिए अपलोड करता हूँ, अभी तक आपने मॉडल पेपर नहीं देखा है तो चैनल पर जाके मॉडल पेपर भी आप उससे तैयारी करिए, मैं उसमें पूरी तरह से तैयारी कराता हूँ, आप लोग अच्छे से मॉडल पेपर, जो भी आइडिया मुझे लगता है कि हाँ इस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं या इस प्रकार के आने वाले हैं, क्योंकि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट फर्स्ट टाइम होंगे जिनको नहीं पता है, तो उनके लिए मैं आइडियाज़ शेयर करता रहता हूँ, ठीक है। तो वो मॉडल पेपर आप
जरूर देखिए। मैं शाम को और मॉर्निंग में दोनों मॉडल पेपर अपलोड करता हूँ, वीडियो देखेंगे तो आपको ही हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। और हाँ, अगर ये आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैंने प्रोसेस बता ही दिया, वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, ये जानकारी पूरी आप लोगों को। और हाँ, जो अदर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, मैं उनको ये बताना चाहूँगा, अगर वो कुछ पूछना चाह रहे हैं तो बेशक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में हमें ये बताइए कि मैं नेक्स्ट वीडियो जब बताऊँ स्कीम की, यानी मुख्य परीक्षा टाइम टेबल की, तो वो किस यूनिवर्सिटी की होनी चाहिए। अवध यूनिवर्सिटी की हो गई, कानपुर यूनिवर्सिटी की हो गई, ठीक है। अब आप बताइए कि पूर्वांचल यूनिवर्सिटी की या फिर अलाहाबाद यूनिवर्सिटी की, आप जैसा भी बोलेंगे वैसा मैं वीडियो बना दूंगा, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आप किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।